हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? सब मस्त समझ में आ रहा है? समझते देना बेटा हो। देखो बच्चों, हम लोग टेंसर के अगले वीडियो पर आ गए हैं, लेकिन बच्चों इससे पिछले जितने मैंने वीडियो बनाए हैं उनको पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए, है ना? स्टार्टिंग से पढ़िए, बीच से पढ़ना शुरू करेंगे समझ में नहीं आएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए, टेंसर की अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइए तो आपको स्टार्टिंग से सारे वीडियो मिलेंगे। लिख दीजिए प्लेलिस्ट बाय HD सर, टेंसर बाय HD सर, अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है? और या चैनल पे जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के आप टेंसर के सारे वीडियो पढ़िए, फिर आप इस वीडियो पर आइए। देखो बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट का, जैसा कि टेंसर में बहुत यूज होता है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं इसको समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि अगर हमें दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो टेंसर में कैसे लिखा जाए, ठीक है? तो हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इन टेंसर। टेंसर में हम दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो जैसे क्या होता है बच्चों, आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना जानते हैं, जैसे कि मान लो दो डिटर्मिनेंट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स का आप करना जानते हैं ना, जैसे कि आपने मान लो ये लिया 2 3 4, 1 4 2, मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 2 रो है 3 कॉलम है। मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ क्योंकि तो उसी से फिर ये बात यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है? अच्छा, मान लो एक दूसरी मैट्रिक्स है ना, और इसमें है 1 0 2, 1 0 2 -1 1 1 2 3 4, ये मान लो 3 क्रॉस 3 है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसका पहले का कॉलम दूसरे की रो आपस में बराबर हो, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना? ये दो क्या है बोलो? मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस, ठीक है? तो पहले का कॉलम दूसरी की रो के बराबर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, देखो इसमें 2 बचा और इसमें 3 बचा, तो इसका आंसर आएगा 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसका देखो रो बचा और इसका देखो कॉलम बचा, वो यहां लिख दिया। अब देखो जो एलिमेंट निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, जैसे कि देखो इसमें 2 रो 3 कॉलम है, तो मतलब एलिमेंट कैसे होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखो ये हो गया 2 रो और 3 कॉलम, बस समझे। अब देखो जैसे पहला एलिमेंट अगर निकालना है तो देखो उसका तरीका ये होता है कि इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर ये मैट्रिक्स हमारा B है और ये मान लो हमारा C है और ये मान लो हमारा ए है, तो बी का आपको पहला रो लेना पड़ेगा, तो बी पहला रो और इसका पहला कॉलम, ठीक है? देखो 1 और 1, 1 का मतलब बी का पहला रो और इस 1 का मतलब सी का पहला कॉलम, तो रो कॉलम, तो देखो पहला रो पहला कॉलम लो, तो इसका पहला रो क्या है बोलो 2 3 4, और इसका पहला कॉलम क्या है बोलो 1 -1 2, तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो तो 2, इसको इससे करो तो -3, और इससे करोगे तो 8, तो कितना आया 7 आया ना। फर्स्ट को फर्स्ट से करो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, A11। मान लो A12 निकालना है, तो 1 देखो ये रो और ये क्या है कॉलम, किसका रो, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम हमेशा, तो इसका पहला रो इसका दूसरा कॉलम, तो देखो करो मल्टीप्लाई, ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो गया देखो 0, फिर प्लस कितना हो गया 3, और प्लस कितना हो गया 12, तो 15 हो गया, है ना? पहला रो दूसरा कॉलम, है ना? ये क्या है पहला रो पहला कॉलम, और ये क्या है बोलो पहला रो दूसरा कॉलम। कोई भी एलिमेंट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट आप रो वाई कॉलम से निकालते हैं, रो को हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके यहां लिखते जाएंगे, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ऐसे मान लो A23 चाहिए, तो A23 का मतलब ये रो हो गया ये कॉलम, ये किसका रो है
इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो और इसका तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है? डिटर्मिनेंट में बेटा, जैसे कि मैट्रिक्स में तो देखो रो कॉलम अलग अलग है, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप दो डिटर्मिनेंट को देखो, दो डिटर्मिनेंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल समझो एक डिटर्मिनेंट मान लो ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, 1 3 4 0 -1 2 1 4 3। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ध्यान दो, एक्चुअली डिटर्मिनेंट जो है ना वो एक सिस्टम नहीं है, वो एक वैल्यू है। तो जैसे इसकी वैल्यू निकाल लो एक्सपेंड करके, इसकी वैल्यू निकाल लो एक्सपेंड करके, फिर तुम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिटर्मिनेंट जो है ना एक वैल्यू है, वैल्यू आप इसकी वैल्यू निकाल लो वही सिंप्लीफाइड करके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर 3x3 वाले को भी एक्सपेंड करना जानते हैं हम लोग, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर हम इनको मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिक्स वाले मेथड से, तो दोनों में जैसे देखो ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मान लो ये ले लिया 2 3 4 -1 -1 2 3 0 1, मान लो ऐसे, ये भी 3x3 है, ये भी 3x3, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, वैसे मैंने बताया यहाँ 1 1 है, देखो जैसे इसमें 3x3, ये भी 3x3, तो इसका आंसर भी 3x3 आएगा। तो 3x3 का मतलब 3 रो हो गए और 3 कॉलम होंगे, समझो, ठीक है, देखो 3 रो 3 कॉलम। अब देखो A11 का मतलब क्या, मैट्रिक्स में क्या था, रो और कॉलम, किसका रो, पहले का रो, पहले इसका कॉलम। अब देखो डिटर्मिनेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात है, डिटर्मिनेंट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं आप रो कॉलम करो, आप रो रो भी कर सकते हो, कॉलम कॉलम भी कर सकते हो और कॉलम रो भी कर सकते हो। जैसे मैट्रिक्स में तो हमेशा जब भी कोई एलिमेंट निकालते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को रो पकड़ते हैं, दूसरे वाले के कॉलम को पकड़ के आपस से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट में आप कैसे भी कर सकते हो, आप रो बाई कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाई रो भी कर सकते हो, रो बाई रो भी कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हो। मतलब जैसे A11 का आप इसका रो इसका कॉलम भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका कॉलम ले लो इसका रो ले लो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका रो इसका रो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका कॉलम इसका कॉलम। लेकिन करते जनरली डिटर्मिनेंट में है रो बाई कॉलम ही है, कर कुछ भी सकते हैं लेकिन जनरली मैट्रिक्स की तरह ही करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स में केवल रो बाई कॉलम करते हैं, ध्यान देना, लेकिन डिटर्मिनेंट में 4 तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी कोई भी एक रूल ऑफ फॉलो कर सकते हैं 4ों में से, लेकिन जनरली हम रो बाई कॉलम ही करते हैं, है ना, रो बाई कॉलम ही हम करते हैं। मतलब जैसे अगर हमें A11 चाहिए तो इसका रो पकड़ो इसका कॉलम, देखो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम, तो क्या होगा, इसको इससे करना है तो 2 + 0 + 4, देखो 2 + 0 + 4 तो 6 आएगा ना, देखो रो कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो गया 2 + 0 + 4। मान लो A12 चाहिए तो फिर वही क्या, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तो क्या हुआ 6, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम 6 - 3 + 16, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। कोई भी एलिमेंट चाहिए, मान लो A23 चाहिए तो A23 चाहिए, अब देखो मैंने बताया ना कि A23 चाहिए तो इसका दूसरा रो इसका तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, है ना, तो क्या होगा -4 और फिर -2 और फिर प्लस का 6, तो इसका आंसर 0 आ गया।
ये कितना हो गया 16 6 22 -3 तो 19। तो मतलब आप डिटरमिनेंट में इन चारों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जनरली रो वाई कॉलम ही करते हैं डिटरमिनेंट में भी, है ना। ये आप कुछ भी कर सकते हो, इसका रो इसका कॉलम लो, इसका कॉलम इसका रो लो, दोनों का रो ले लो, दोनों कॉलम लो, कुछ भी आप कर सकते हो डिटरमिनेंट में, लेकिन जनरली हम रो वाई कॉलम ही करते हैं। तो देखो जरा समझो ध्यान से। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो क्या हो रहा है यहां पर। अब जरा इसको हम एक और तरीके से समझें। देखो जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट मेरे पास है ऐसे करके ए आई जे, ये डिटरमिनेंट है। मैंने बताया था कि टेंसर में डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं, याद है कि नहीं, बोलो याद है कि नहीं बच्चों। अच्छा दूसरा डिटरमिनेंट मान लो ये है बी आई जे, इनको मल्टीप्लाई किया और तीसरा बना मान लो सी आई जे, जैसे ये ए आई जे, ये बी आई जे, ये तीसरा क्या बना बोलो सी आई जे। अब देखो जैसे समझो ध्यान से क्या हो रहा है कि मान लो हमें ये मान लो ऐसे एलिमेंट है ना C11 C12 C13, फिर क्या है बोलो C21 C22 C23, क्योंकि देखो बेटा ये सब सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आगे चल के अचानक मेरे सामने ये सब जब आएगा ना तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बिल्कुल प्रोसेस से सीखना जरूरी है इसको। देखो जैसे सी आई जे मान लो जैसे हमें C23 चाहिए, C23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका सेकेंड रो पकड़ो, सेकेंड रो का मतलब A2K सेकेंड रो, है ना। मतलब देखो सेकेंड रो और कॉलम कोई भी हो सकता है, 1B मतलब सेकेंड रो है ना, इसका सेकेंड रो पकड़ा, इसका सेकेंड रो पकड़ा, K की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, और इसका देखो थर्ड कॉलम पकड़ेंगे। तो देखो ये मान लो ए है ना और ये मान लो बी है, तो इसका थर्ड कॉलम पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी के थ्री। देखो इसको ऐसे लिखो C23 मतलब इसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम चाहिए, तो इसका सेकेंड रो देखो इसका सेकेंड रो ये हो गया, के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, K1 K2 K3 हो सकता है, और बी देखो इसका थर्ड कॉलम पकड़ना है, थर्ड कॉलम देखो ये यहां भी K1 2 3 कुछ भी हो सकता, मतलब देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट है तो क्या हुआ बोलो, सेकेंड रो और ये वाला कॉलम, और यहां पर देखो कॉलम रो क्या है बोलो, रो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम चाहिए है हमको और रो क्या है बोलो सेकेंड, है ना। C23 देखो क्या था, सेकेंड रो और यहां पर क्या चाहिए बोलो, ये K और 3 थर्ड कॉलम, ऐसे देखो ये हमने लिखा इस वाले नोटेशन में, क्योंकि देखो इसमें I क्या होता है रो, J क्या होता है कॉलम। टेंसर वाले देखो बेटा मैं बाबा कह रहा हूँ, पिछला वीडियो उससे पिछला वीडियो जरूर देखिए बेटा, क्योंकि ये सब स्टार्टिंग हो चुकी है पहले इनकी, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए जहां से मैंने डिटरमिनेंट, बल्कि शुरुआत से देखिए सारे वीडियो, आपको सब समझ में आएगा, स्किप नहीं करिए वीडियो, स्किप करेंगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, ये टफ चीजें हैं, यहां पर जरा भी इधर उधर हो गया तो समस्या में पड़ जाओगे, तो कोई वीडियो स्किप नहीं करिए, सब देखिए, सब समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, गारंटेड बता रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया था, इसमें आई होता है रो, जे होता है कॉलम, आई रो जे कॉलम। तो देखो जैसे मुझे अगर C23 चाहिए था, इसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि यही चीज टेंसर में ऐसे लिखते हैं C23, तो इसका सेकेंड रो लेना, इसका थर्ड कॉलम, K का मतलब K1 2 3 कुछ भी हो सकता, K की वैल्यू 1 हो सकती 2 हो सकती 3, मतलब देखो K को 1 रखें तो क्या होगा A21 और B13, प्लस K को 2 रखें तो क्या होगा A22 और B23, और प्लस क्या होगा बोलो, एक के को 3 रखें तो A23 और B33। A21 का मतलब देखो ये वाला एलिमेंट है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देखो ये वाला। B13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, देखो ये वाला है ना, ये वाला एलिमेंट, ये रहा -1, ये रहा क्या बोलो 4।
A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, देखो ये वाला, और B23 का मतलब बोलो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ये वाला A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट, और B33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो ये वाला एलिमेंट। तो वही हो रहा है ना कि इस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, और इसको इससे कर रहे हैं, वही देखो ये हमको बता रहा है, और C23 मिल रहा है। तो देखो यहां पर अगर हम इन जनरल देखें तो Cij कैसे मिलेगा। मान लो ये मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, ये भी n क्रॉस n का है ना, ये क्या है बोलो n क्रॉस n का है, ये भी n क्रॉस n का है, और ये भी n क्रॉस n का है, किसमें, टेंसर नोटेशन में। तो देखो Cij कैसे मिलेगा, समझो Cij क्या होगा, इसका ith रो लेना है तो ai, और यहाँ k कुछ भी ले लो, इसका jth कॉलम लेना है तो bkj, देखो ऐसे मिलेगा Cij। देखो जैसे यहाँ पर था ना C23 कैसे मिला, A2k BK3, देखो यहाँ पर AIK और BKJ, देखो ये हमें यहाँ से CIJ मिलेगा टेंसर नोटेशन में, बस समझे। अब देखो K क्या हो गया, डमी सफिक्स हो गया, K देखो एक के ऊपर है और एक डमी सफिक्स हो गया, K की वैल्यू वेरी कर सकते हो, AI1 B1J प्लस AI2 B2J से लेकर के AIN और BNJ, है ना, डमी सफिक्स हो गया, इसको आप वरी कर सकते हो। आइंस्टीन नोटेशन, आइंस्टीन समेशन का नोटेशन, देखो फिर ये सब बता चुका हूँ बेटा मैं, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ें मैं रिवाइज करने लग जाऊँगा बार बार तो नया पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, मैटर बहुत ज़्यादा होता है, पुराना सारा पढ़िए सब समझ में आएगा, स्टार्टिंग से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए सब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अच्छा अब समझो यहाँ पर ध्यान से कि जैसे Cij मतलब एक मैट्रिक्स थी, इसको लिखना था, तो देखो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं ए आई के और बी के जे ऐसे करके, बस समझे। सी आई जे मतलब ये एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट चाहिए तो इसका आईएथ रो दिया और इसका जेएथ कॉलम को लिया, बोलो बस समझे ना, लिखो जल्दी से इसको यहां तक पहले। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, देखो बोरे बच्चों का खेल। तो देखो मतलब क्या हुआ कि टेंसर में क्या हो रहा है, समझो जरा ध्यान से कि मान लो ए आई जे एक डिटर्मिनेंट है, बी आई जे दूसरा डिटर्मिनेंट है मान लो, और इनको मल्टीप्लाई करके सी आई जे मिल रहा है तीसरा डिटर्मिनेंट, तो सी आई जे जो होगा वो क्या होगा, ए आई के और बी के जे, है ना, मतलब आई जेथ एलिमेंट ऐसे मिलेगा, आई जेथ एलिमेंट। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे बी आई जे, दो डिटर्मिनेंट हैं ये, इनको मल्टीप्लाई किया गया, ए आई जे का मतलब एक पूरा डिटर्मिनेंट, आई कहां से कहां, देखो ए आई जे का मतलब क्या हुआ, एक पूरा डिटर्मिनेंट मतलब A11, A12 से लेकर A1n, A21, A22 से लेकर के A2n, फिर क्या हुआ An1, An2 से लेकर के ANn, देखो ऐसे। I क्या बताता है रो, तो पहले में I की वैल्यू 1 और J वेरी करेगा 1 से n तक, दूसरे में I की वैल्यू 2, J वेरी करेगा, इसमें I की वैल्यू n और J वेरी करेगा, ठीक है, इसी प्रकार बी आई जे होगा। तो अब देखो सी आई जे की ये वैल्यू रख दी जाए तो क्या हुआ, ए आई के सी आई जे को जो वैल्यू रख दे, ए आई के और बी के जे ऐसे,
मतलब दो को अगर हमें डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो देखो इस तरीके से सी आई जे की, देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी इस तरीके से, देखो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। सी आई जे डिटर्मिनेंट है, उसकी ये वैल्यू लिख दी हमने देखो यहाँ पर। अच्छा अब देखो मान लो डिटर्मिनेंट तीन है, ए आई जे एक डिटर्मिनेंट है, बी आई जे दूसरा है और सी आई जे तीसरा है, तीन डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सेम प्रोसेस लगाओ, देखो कैसे, ए आई मान लो हमने के ले लिया तो अगला क्या होगा बी के, और मान लो एच ले लिया तो तीसरा क्या होगा सी एच जे। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं ए आई के, अब देखो अगला के ऊपर एच नीचे, यहां पर देखो सी एच ऊपर और जे नीचे, जो यहाँ नीचे है वो अगले में ऊपर, जो यहाँ नीचे है वो अगले में ऊपर, और हाँ आई से शुरू किया जे पर एंड करना है, आई जे आई जे आई जे, आई से शुरू किया जे पर हमें एंड करना है। तो ये मतलब तीन को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दो को मल्टीप्लाई करना था तो हमने ऐसे लिखा। समझो बच्चों ध्यान से इसको, इस तरीके से इसको देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। चार होते मान लो ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, डी आई जे, तो देखो क्या होता, ऐसे होता डिटर्मिनेंट के अंदर ए आई के, बी के एच, सी एच पी और डी पी जे। देखो ऐसे आई से शुरू किया जे पर एंड कर रहा है, ऐसे ये नीचे के तो ऊपर के, नीचे एच तो ऊपर एच, नीचे पी तो ऊपर पी, और आई से शुरू किया और जे पर देखो हमें एंड करना है आई जे। तो देखो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को, इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का मतलब टेंसर में ये होता है, बस समझे। तो ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक पे जाके समझाया कि आखिर इसको लिखने का मतलब क्या, यही आगे चल के जब नोटेशन यूज होते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, और सोचते समझ में आ जाए तो वहां समझ में आता नहीं है, क्योंकि बेटा इसको बिना समझे आगे आप जा ही नहीं सकते। अगर आप सीधे आगे चले गए कोवेरिएंट ये सब पढ़ना शुरू कर दे तो नहीं समझ में आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिखी, देखो ये आ गया, इसको याद कर लो, ये टेंसर है, पढ़ के रटाओ, ना समझ के करना है, समझो दिमाग में लगाओ, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग और फिजिक्स में बहुत काम आता है ना। जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या फिजिक्स से जो करते हैं एमएससी वगैरह, उनको ये सब बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वेक्टर का एक्सटेंशन है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और हाँ सारे वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, पुराने सारे वीडियो आप देखिए टेंसर के, इसकी पूरी अलग एक प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे आपको वीडियो टेंसर के एक साथ मिलेंगे, है ना। प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियो टेंसर के एक साथ मिलेंगे। और भी मेरे कई सारे वीडियो चल रहे हैं, जैसे टोपोलॉजी के चल रहे हैं, अपना फंक्शनल एनालिसिस के चल रहे हैं, रियल के चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चल रहे हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के भी चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।